चाइना के वुहान शहर से निकल के आज दुनिया के 160 से ज्यादा देशों में कहर भर पा रहा कोविड-19 कोरोना वायरस आज दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या का कारण बन चुका है। एक तरफ जहां देखो तहां किसी से भी बात करो तो सिर्फ और कोरोना वायरस की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ जितने भी इन्फेक्टेड कंट्री है वहां के शेयर मार्केट, वहां के ट्रेड, इकोनॉमी, टूरिज्म, हर चीज से हर व्यवस्था नियर अबाउट धड़ाम हो चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इतनी बड़ी महामारी से आपको कैसे बचना है और क्या करना है इतने बड़े महामारी के सिचुएशन में। कई सारे लोग बेफिजूल काफी इस चीजों से पैनिक होते जा रहे हैं और कई सारी चीजें अफवाह हमारे सोशल मीडिया पे चल रही हैं, इसको लेके हम पूरी इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा, आप देख रहे हैं TW एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ, इंडिया गवर्नमेंट के थ्रू और स्टेट गवर्नमेंट, इनफैक्ट यूपी, महाराष्ट्र, हर लोगों की तरफ से काफी बेहतर तरीके से रिस्पांस बढ़ता जा रहा है। क्राउड को कम करने के लिए स्कूल, कॉलेजेस, इनफैक्ट जितने भी जिम, इंडस्ट्रियल, आपके कमर्शियल इंस्टीट्यूट है, उन सबको फाइनली क्लोज कर दिया जाएगा। इनफैक्ट जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम नियर अबाउट चल रहे, कुछ एग्जामों को छोड़ के सारे एग्जाम को क्लोज कर दिया गया है। संसद के सत्र को छोड़ के नियर अबाउट हर चीज को हर चीज में वर्क टू होम देने के लिए कमेटी गठित की गई है। इनफैक्ट आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा फ्रेंड्स बहुत सारी चीजों को लेके जो आपकी काफी अफवाह भी सोशल मीडिया पे चल रही है, इस दवा का प्रयोग करिए, इस चीज का प्रयोग करिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एक गहरी सांस जरूर लेंगे और अपने आप को काफी ज्यादा सिक्योर फील करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को पूरा देखिए, 98% आपके प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा रिलीज की गई। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा जारी के रिपोर्ट के अनुसार जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूं, इस टाइम इंडिया में 149 पॉजिटिव मरीज पाए गए, पॉजिटिव पेशेंट पाए गए, जिसमें से 3 लोगों की डेथ हुई। ये डेथ ज्यादातर उन लोगों की हुई है जो 50 या 60 के एवप के ऊपर हैं, जिनको इम्यून सिस्टम में काफी कमी आ जाती है उन सब चीजों के लिए। तो इस चीजों को लेकर आपको घबराना नहीं, पूरा वीडियो देखें। मैं कोरोना के बारे में आपको कुछ भी वो सब नहीं बताऊंगा जो आप सब जानते हैं व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे पढ़ पढ़ के, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं वो बता रहा हूँ आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे आपको कोरोना है या नहीं है। उसके बाद आप में से कोई अगर वो सिम्टम नहीं है, उसको लगता है कि मुझे कोरोना नहीं है, वो फिर वापस से घर जाए, कुछ होता है ठीक। खांसी, जुकाम, बलगम, बुखार, यही झगड़े हैं सबके ठीक है। अगर आपको सूखी खांसी हो रही है, ड्राई कफ, खांस रहे हो, ये केवल पॉल्यूशन कफ है, केवल प्रदूषण से हो रहा है। अगर आपको खांसी के साथ बलगम आ रहा है, नाक भेड़ी है, ये आपको एलर्जिक कफ है ठीक। यदि आपको नाक भेड़ी है, बलगम आ रहा है और आपको खांसी हो रही है, उसके साथ ऐसा अगर हो रहा है तो ये फ्लू या स्वाइन फ्लू कुछ भी हो सकता है, या नॉर्मल वायरल जिसमें कहते हैं वायरल हो गया आपको, ठीक हो, ये वो भी हो सकता है, ये कोरोना वोरोना नहीं हो सकता। पर अगर आपको बुखार, सूखी खांसी, तेज बुखार, सूखी खांसी और सांस फूलना, जोड़ों में दर्द, चलो जोड़ों में दर्द सब चीजों में हो सकता है, मेन डिफरेंशिएटिंग फीचर है कि अगर आपको खांसी के साथ बुखार है और खांसी सूखी और तेज बुखार है तो ही ये कोरोना हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो भी हो। तो उसे पैनिक करना बंद करिए, मोस्ट ऑफ द लोगों को उसे डर लगता है। अब आप मुझे बताओ, इतने लोग बैठे हो, आप में से कितने लोगों को तेज बुखार और सूखी खांसी है, बताइए कितना को। बलगम वाली खांसी, जुखाम बहुत लोग को, आप में से किसी को कोरोना नहीं है, फीस ले लो चले जाओ, मैं बता रहा हूँ बिना मत ले लो। डरो नहीं कोरोना से, कोरोना ऐसे नॉर्मल वायरल है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, वो आपके और हमारी तरह नॉर्मल वायरल की तरह आता है, चला जाता है। बिगड़ता किसका है, जिसकी ओल्ड एज है, उसकी इम्यूनिटी पावर कम है, उसको डायबिटीज है, उसको शुगर है, वो कैंसर पेशेंट है, उसकी इम्यूनिटी कम है, छोटा सा वायरल उसके ऊपर हमला कर देता है। और दूसरा, ये सैनिटाइजर का झगड़ा बंद करिए ठीक, कोई जरूरत नहीं सैनिटाइजर की, साबुन है, हाथ धो लीजिए अच्छे से। पहले के जमाने में तो राख से हाथ धोते थे, चलिए राख से मत धोइए, आप नॉर्मल साबुन पानी से हाथ धोइए, कुछ नहीं फैलेगा कोरोना। दूसरी बात, एक बात और सीख के जाइए जो लास्ट बात है, फिर मैं वापस आप लोगों को टाइम ना वेस्ट करके शुरू करता हूँ। छींकना और खांसना कैसे, ये आज नहीं आगे तक के लिए, हम कैसे छींकते हैं, चलो हो गया ठीक है, इनके ऊपर भी गिराती, इनके ऊपर भी गिराती। आज के बाद आप सब खांसेंगे या छींकेंगे तो ऐसे, अपनी बाजू
क्योंकि इधर आप टच नहीं करते हैं बार बार, ठीक है, और शर्ट तो आप घर जाके चेंज करते नहीं है, ठीक है, करके दिखाइए सब कैसे खांसेंगे छींकेंगे। तो कोरोना से मर जाइए, उस समय में सब शांत हो जाएगा, रिलैक्स रहिए, अवेयर रहिए, कंफ्यूजन है आइए, घबराइए मत, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आई होप आपने वो वीडियो जरूर देख लिया होगा, सारी चीजों को बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। दोस्तों अब एट लास्ट मैं बता देना चाहता हूँ, कई सारे लोगों का मैसेज आता है कि सर क्या M95 लेना जरूरी है, बहुत सारी चीज है। तो देखिए मैं एक चीज पर कह देना चाहता हूँ कि M95 मास्क बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, अगर आपको मिल जाता है दैट्स इज द बेटर, बट 3 लेयर आप किसी भी मास्क को यूज कर सकते हो। और आपको मतलब जो सैनिटाइजर को लेके काफी ज्यादा वो है, कई सारी दुकानों पे मिल नहीं रहा, अगर मिल रहा है तो काफी ऊंचे दाम पे ये चीजें बेची जा रही है। तो मैं दोस्तों आपसे डिस्कस कर लेना चाहता हूं, चाहे ये फैमिली देख रही, चाहे जो भी लोग देख रहे हैं इसको, एक डिटोल साबुन भी इसके लिए काफी हेल्पफुल है, ठीक है, टाइम टाइम से इसको आप अपने हाथ पैर को धुलते रहिए, जो भी है अपने तरीके से सिक्योरिटी बरतते रहिए, कोशिश करिए कि एक स्वच्छता का माहौल आपके घर परिवार में हो। दूसरी चीज है कि भीड़ भाड़ इलाके से काफी बच के रहे, बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही आप बाहर निकलिए। देखिए दोस्तों आपकी तरफ से भी सिक्योरिटी जरूरी नहीं कि हर काम सरकार ही करे, सरकार ने अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रखा है और ऑलरेडी कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में वर्क टू होम देने के लिए कमेटी गठित की गई। इनफैक्ट बड़ी बड़ी कंपनियों में लोगों को वर्क टू होम फैसिलिटी दी जा रही है, क्राउड को कम किया जा रहा है, सारी चीजें आप लगातार न्यूज वगैरह में देखी जा रही होगी, यहां पे स्क्रीन पे सारी चीजें देख पा रहे होंगे। तो ये सब सारी चीजें हैं और ये फुली एडवाइस थे, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो क्वेरी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, हमारी टीम आपको हमेशा से मदद करती है और करती रहेगी। तो ये थी पूरी डिटेल्स इस चीज को लेकर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपने से आपको थोड़ी सी सिक्योरिटी बरतनी है, ये कुछ ही दिन का चीज है, जब तक चीजें वो थोड़ी सी सिक्योर हो जाएंगी तब तक आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। हाँ, ये चीज काफी सारे लोगों को की जा रही कि सर जैसे ही गर्मी आएगा, देखिए गर्मी आएगा ये चीज का प्रभाव खत्म हो जाएगा, तो ये चीज अभी तक साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है, इसलिए हमें इस चीज का बहुत बड़े स्तर पे बचाव जरूर करना है, ठीक है, सिक्योरिटी आप बरतिए, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अगर आपको होता है तो इसमें ज्यादातर, अगर आपने देखा होगा पूरी डेटा एनालिसिस की होगी तो आपको इस चीज का पता चला होगा, ज्यादातर 40 या 50 के ऊपर के लोग इससे ज्यादा संक्रमित हो रहे, अगर डेथ की कंडीशन बन रही तो इससे ज्यादा के एज के लोगों के ही हो रहे। तो ये थी पूरी वीडियो के एनालिसिस, आई होप को आप सभी को वीडियो पसंद आए। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।